आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शरद पूर्णिमा के बाद से ही हेमंत ऋतु आरंभ हो जाती है और धीरे धीरे सर्दी का मौसम आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा को कौजागरी पूर्णिमा, जागृति पूर्णिमा तथा कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह दिन इतना अधिक शुभ और सकारात्मक होता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय से भी बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान प्राचीन समय से चला आ रहा है। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ जन्म लिया था, जबकि भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थी। परंतु शरद पूर्णिमा की रात वह चमत्कारी रात है जब चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से सुसज्जित और परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का धार्मिक और पौराणिक महत्व माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण महारास रचाना आरंभ करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार गोपियों के अनुराग को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को महारास का संकेत दिया था। तब चंद्रमा ने भगवान श्री कृष्ण का संकेत समझते ही अपनी शीतल रश्मियों से प्रकृति को आच्छादित कर दिया था और उन्हीं किरणों ने भगवान कृष्ण के चेहरे पर सुंदर रोली की तरह लालिमा भर दी, जिस कारण अपने अपने कार्यों में लीन गोपियां अपना घर बार छोड़कर भागती हुई वहां आ पहुंची। यह देखकर चंद्रमा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी सोममय किरणों से अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी रात के समय आकाश में विचरण करते हुए यह कहती है, को जागृति, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इस रात जागता रहता है उस पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। ऐसी मान्यता है कि इस रात चांद आसमान से अमृत बरसाता है और क्योंकि चांद की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। केवल शास्त्र ही नहीं वैज्ञानिक रूप से भी इस रात का अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा धरती पर विशेष ऊर्जा बिखेरता है जो कि बेहद सकारात्मक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका नरेश शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की इन किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इस क्रिया से उसे पूर्ण यौवन की शक्ति प्राप्त होती थी। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को एक अद्भुत शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है और इसी पॉजिटिव ऊर्जा को पाने के लिए लोग चांद की रोशनी के नीचे खीर बनाते हैं या फिर बनाकर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस अमृत वाली खीर को खाता है उसे धन, यश, आयु, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का विशेष महत्व माना जाता है। खीर दूध से बनाई जाती है और दूध चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन चांद धरती के सबसे अधिक करीब होता है और इसलिए उसकी किरणों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा पर औषधियों की संपादन क्षमता अधिक होती है, अर्थात औषधि का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति और ऊर्जा का शोषण करता है और क्योंकि चावल में स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है इसलिए यह क्रिया और भी ज्यादा सरल हो जाती है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे रखने का यह विधान बनाया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने पूरे जगत को यह संदेश दिया कि शरद पूर्णिमा की रात को दूध और चावल से बनी हुई खीर को खुले आसमान के नीचे रखकर सुबह 4 बजे इसका सेवन करना चाहिए। इस औषधीय खीर को ग्रहण करने से कई प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, आयु बढ़ती है,
और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। एक रिसर्च के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में ही बाहर रखना चाहिए और चांदी के कटोरे में ही खाना चाहिए, क्योंकि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर अधिक होती है, जो कई प्रकार के बैक्टीरिया को मार देती है। आइए अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात को इस औषधीय खीर को खाने के लाभ। रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर और मन दोनों को ठंडा करती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है, पेट को ठंडक पहुंचाती है। मच्छरों के काटने पर मलेरिया के बैक्टीरिया शरीर में फैलने लगते हैं, जिससे मलेरिया हो जाता है। कहते हैं हमारे शरीर में जब पित्त अधिक बढ़ जाती है तो मलेरिया के बैक्टीरिया शरीर में पनपने लगते हैं, परंतु खीर खाने से बॉडी के पित्त कंट्रोल में आने लगती है और मलेरिया बुखार नहीं आता। दमा के पेशेंट्स के लिए भी यह खीर अमृत के समान होती है। इस चमत्कारी खीर को खाने से उनके बीमारी में बहुत फायदा पहुंचता है। शरद पूर्णिमा की रात यह चमत्कारी खीर अस्थमा के पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। शरद पूर्णिमा की इस चमत्कारी खीर को स्किन रोगों से परेशान लोगों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम हो तो उसे चांद की रोशनी में 1-2 घंटे तक खड़े रहना चाहिए और सुबह इस खीर को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं। यह चमत्कारी खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद बेहद चमकीला होता है, इसलिए जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है उन्हें इस चांद को एक टक देखते रहना चाहिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि इस रात चांद की रोशनी में यदि सुई में 100 बार धागा डाला जाए तो आंखों की रोशनी में चमत्कारिक लाभ होता है। इसके अतिरिक्त शरद पूर्णिमा की यह चमत्कारी खीर हार्ट पेशेंट्स और फेफड़ों के पेशेंट्स के लिए भी अमृत के समान मानी गई है। एक्जिमा, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा, शरीर में सूजन का आना, शरीर से बदबू आना जैसी समस्या होने पर इस खीर का हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस अमृत वाली खीर को चंद्रमा को भोग लगाकर अगली सुबह इसे ग्रहण करता है उसे धन, यश, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति हो जाती है। उस परिवार के लोगों को कभी भी आर्थिक समस्या नहीं होती। इसके अतिरिक्त यदि गर्भवती स्त्री के गर्भ पर इस चांद की रोशनी पड़ती है तो उसका बच्चा हेल्दी पैदा होता है। परंतु इस अमृत वाली खीर को खाने के कुछ खास नियम हैं, जिनका यदि पालन ना किया जाए तो खीर का महत्व कम हो जाता है। यदि संभव है तो इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में ही बनाएं। ऐसा करने से इसका लाभ दुगना हो जाता है। खीर बनाते समय उसमें दालचीनी, काली मिर्च, घिसा हुआ नारियल, किशमिश, छुआरा आदि अवश्य डालें। रात भर इसे चांदनी रात में रखने से इसकी तासीर बदल जाती है और जिस कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। ग्रंथों के अनुसार यह खीर एक दिव्य औषधि होती है। इस खीर को गाय के दूध में ही बनाना चाहिए। ग्रंथों में चावल को हविष्य अर्थात देवताओं का भोजन माना गया है। इसमें थोड़े से चावल डालें और साथ ही इस खीर में थोड़ा सा गंगा जल और गाय का घी भी डालें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत अवश्य करें। यदि यह संभव नहीं है तो माँ लक्ष्मी की पूजा तो आप जरूर करें। इस दिन रात को चंद्रमा को हाथ जोड़ें और खीर ऐसी जगह रखें जहां चांद की सीधी रोशनी इस पर पड़े और कोई जानवर इस पर मुंह ना मार सके, और खीर पर आप एक छलनी ढक दें ताकि कोई भी कीड़े मच्छर आदि खीर में ना गिरे। कुछ देर के लिए आप भी चांद की रोशनी में अवश्य बैठें और मंत्र जाप करें। ऐसा करने से आपको एक अद्भुत शारीरिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के अगले दिन सबसे पहले ब्राह्मण को खीर दें, फिर परिवार के सभी मेंबर्स को खीर का प्रसाद दें। खीर को चांदी के पात्र में ही डालकर रखें। यदि यह संभव नहीं है तो खीर के पात्र में आप एक चांदी का चम्मच ही डाल दें। खीर को कांच के बर्तन में कभी ना रखें। शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस दिन काम वासना, नशा और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और निराशा बढ़ने लगती है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने शरद पूर्णिमा की इस चमत्कारी खीर के विषय में जाना।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। यदि इस वीडियो की रिगार्डिंग आपके कोई भी सजेशन है, आपकी कोई भी सलाह है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।